डियर सिस्टर, मैं यहाँ तुम्हारे लिए एक बुरी खबर लेकर आई हूँ, जिसका तुम यहाँ बेसब्री से इंतजार कर रही हो, वो अब यहाँ नहीं आने वाला। क्या बोल रही हो तुम? तुम यहाँ क्या करने आई हो? तुम्हें पता नहीं है क्या, मेरी और साहब ज्यादा की आज एनिवर्सरी है। गुनगुन समुद्र के बीचों बीच खड़ी एक यॉट में सच धज कर अपने हैंडसम साहबजादा का इंतजार कर रही थी, लेकिन साहबजादा की जगह उसकी बहन मुनमुन वहाँ आ गई। पति? हाँ हाँ, भूल जाओ, वो तुमसे प्यार करता है, अब उनकी जिंदगी में तुम्हारी जगह किसी और ने ले ली है। मुनमुन की बात सुनकर गुनगुन को साहब की फिक्र होने लगी। उसने तुरंत साहब को फोन लगाना शुरू किया, पर साहब ने उसका फोन नहीं उठाया। कोई फायदा नहीं है, वो यहाँ नहीं आने वाला, इसीलिए उसने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है। ऐसा नहीं हो सकता, साहब ज्यादा ऐसा नहीं कर सकते, ये पेपर झूठ है। आखिर क्या हुआ साहबजादा को? क्या था उन पेपर्स में? आखिर क्यों साहबजादा की जगह वहाँ मुनमुन पहुँची? क्यों गुनगुन को रोता देख उसकी बहन मुनमुन खुश थी? किस दूसरी लड़की की बात कर रही थी मुनमुन? कहीं वो मुनमुन ही तो नहीं? आइए अब सुनते हैं प्यार यार और धोखा की पूरी कहानी।